और गाइस मेरे सर के ऊपर ये इसकी डोर आई बो ये देखो पिंक कलर का मंजर आई बो आई बो। इस बार तो बाबू तू गया, इस बार तो तू गया, फंसी पड़ी है, फंसी पड़ी है, फंसी पड़ी आई बो। देखो ये आती हुई आई बो। ये तो ड्रामा बॉय था, अब जाएगी आई बो। काट दिया हमारे कैमरामैन ने भी आई बो आई बो। हेलो गाइस कैसे हो आप सभी। आज देखा होगा टाइटल थंबनेल में बड़ी पतंग, आज बड़ी पतंग उड़ाएंगे और मंजा वो वाला है, गो इंडिया गो वाला, कैसा मंजा है कैसा नहीं है वो देख लेना। आज बड़ी पतंग उड़ाएंगे और मंजा इधर रख देता हूँ और इस पन्नी में कुछ यूनिक चीज है, मैं अभी दिखा देता हूँ। यूनिक तो नहीं है, यूनिक हो सकती है, शायद आपके मन में ना आया हो। तो ये है बर्थडे पे जो लगाते हैं, आज मैं इस पतंग में लगा के उड़ाने वाला हूँ, देखना बहुत अच्छी लगेगी। और ये पतंग एक नहीं है, दो है, देखो बड़ी, देखो भाई कितनी है ये, देख रहे हो तावा, दो तावा जिसे कहते हैं ना, वो वाली पतंग है। देखो खूबसूरत, देखो भाई साहब डिजाइन वर्क देखो, ये कोई भी प्रिंटेड नहीं है, सब क्या कहते हैं पेस्ट कर रखा है। देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ कलर से मिलकर बनी हुई है। और एक तो मैं देखो इधर रख देता हूँ, इसके सबसे पहले कन्ने बांधूंगा। अगर आप बड़ी पतंग लाते हो कन्ने कैसे बांधने हैं, पूरी वीडियो एंड तक देखते रहना। और इसमें मैं थोड़ी टेप भी लगाऊंगा ताकि ये फटे ना। तो सबसे पहले आओ मैं कन्ने वगैरह बांधता हूँ इधर में, इसको यहाँ रख देता हूँ। मंजा कौन सा मैं अभी दिखा देता हूँ आप सभी को, ये देखो अपना गो इंडिया गो भारतीय कॉटन मंजा, कोई भी चाइनीज वगैरह नहीं है, ना ही आप क्या कहते हैं यूज करना, बहुत ही खतरनाक होता है। इंडियन मंजा उड़ाना, इंडियन बेस्ट है। और ये देखो इस तरह का है, अभी मैं खोल के दिखा दूंगा, पहले इसके मैं कन्ने बांध देता हूँ। कैसे बांधने वो देखो, अब टेप लगाने जा रहा हूँ, तीन चार पाँच छः इस जगह लगाऊंगा। मैंने टेप लगा ली है, देखो एक दो तीन जैसा कि आपको बोला था, अब मैं इसे कन्ने बांधता हूँ। कन्ने कैसे बांधने देखो, इधर आओ, सबसे पहले आपको पतंग को ऐसे रखनी है, थोड़ा एक क्या कहते हैं ऊपर में क्रॉस कर लेना, एक दो तीन चार, थोड़ा यहाँ कर लेना बीच में। गाइस देखो आज मैं इसी से क्या कहते हैं कन्ने बांधने जा रहा हूँ, इस तरह से खुलेगा इधर से ऐसे, सॉरी इधर से ऐसे, और अपना निकलेगा ये मंजा। ये भी भाई कोई भी प्लास्टिक चाइनीज नहीं है, जो प्लास्टिक चाइनीज का है उसको सख्त मानसिक चिकित्सक की जरूरत है। ये देख लो कॉटन मंजा यार, देखो ये क्या, ये चाइनीज है क्या, देखो रुक जाओ, चाइनीज मंजे में कभी घिससे लगते हैं, देखना रुको जरा, ये देखना चाइनीज मंजा कभी ऐसा होता है धागे की तरह, देखो देख रहे हो, ये चाइनीज नहीं है, प्रॉपर कॉटन मंजा है, ये प्रॉपर कॉटन मंजा। तो मैं इसको जल्दी से उड़ाता हूँ और आप सभी को। तो गाइस मैं इसी से देखो कन्ने बांधने जा रहा हूँ आज, मंजे से ही, नीचे वाला कन्ना रहेगा ना उसके बैक साइड में कन्ने के ऊपर टेप लगा लेना, नहीं तो आपके पतंग ना खराब हो सकती है। इस तरह से निकाल देंगे और यहाँ पर ले आएंगे और यहाँ पर आपको लगाएंगे नोट, देखो एक दो तीन आ गए हो। देखो अगर आप बड़ी पतंग लेके आ गए हो, ये करना नहीं आता तो सीख लो, इस तरह से करना है। देखो इस तरह से करने के बाद इसको इस तरह से बांध लेना। अभी बता देता हूँ कि मैंने क्या करा है क्या नहीं, ठीक है ना। तो एक इंची आगे रख लेना है, सेंटर में रख लेना, इसके अलावा कुछ भी मत करना। तो अपना मंजर लेता हूँ और इसको अपनी को उड़ा देता हूँ। देखो गाइस गाइस देखो अपनी पतंग जाती हुई उड़ कर के ये गई। गाइस देखो नीचे इधर आओ मेरे पास आओ। गाइस एक गाइस एक चीज बताओ, पतंग में मैंने डिजाइन बनाई है, अच्छा लग रहा है आपको, बताओ जल्दी से। बिग काइट है भाई, बहुत बड़ी। और मैं आपको इस चीज बताऊं, अगर क्या कहते हैं आपका मंजर टूटता है, सिक्स कोड का ही है भी, अगर आप बरेली का मंजे से उड़ाते हो तो सक्सेसफुली उड़ सकती है, बट एक शर्त है, आपको पतंग हल्की लेनी होगी। हल्की कैसे लेनी होगी, जो पतंग की जो स्टिक होती है ना उसको लचीलापन लेना होगा, एकदम हल्की हल्की। तो ये देखो उड़ चुकी है मेरी पतंग, पतंग अब जल्दी से इससे काटता हूँ और दिखाता हूँ। गाइज मैंने बहुत लंबी कर लिया पतंग और देखो आगे में ले जा चुका हूँ, ये लड़ा रहा हूँ। देखो गाइज मैं ये देखो गाइज देखो ये आ चुकी है मेरे में आई बो। पहली पतंग का खाता खुल चुका है गाइस, मेरा सेविंग अकाउंट में एक जमा हो चुकी है पतंग। नेक्स्ट काटते देखो, अब भी जा रही है झूलती हुई, पता कैसे काटी है पतंग, एक तो मैंने अपनी टाइट रखी, टाइट की टाइट है यार, काटना दे मैं बता रहा हूँ, टाइट की टाइट है। वो आया मेरे में, मैंने यू कराया बस गाइस, ज्यादा कुछ करता ना मैं, इसे खींच वींच मारता तो मेरी जा सकती थी, पहले तो खींच पहली बार तो खींच ही नहीं लगेगी। देखो ये काटते हुआ मैं आराम आराम से खींच मार रहा हूँ, देखो यार पतंग ही नहीं घूम रही गाइस। हाँ गाइस देखो ये गई, आई बो आई बो, नहीं गई नहीं, अब गई है गाइस यार,
अब गई है देखो, वो जा रही, देखो आप सभी को दिख ही रही होगी। भाई साहब मैंने यूं ही करा, आपने देखा होगा लाइव। नेक्स्ट काटता हूँ, दिखाता हूँ अपना मंजा उन्हें समेट रहा है। देखो इसी की काटी अपने टोपा जो लगा के रख रहा है। पतंग बता तू कैसी है एकदम? मजा आ गया भाई पतंग देख के। देखो डोरियरी हमारी पूरी पूरी सीधी आपको दिख रही होगी। गाइस हमारे पीछे वाले जो है ना, छत के पीछे वाले, वो आ रहे हैं। देखो क्लब वाली पतंग उड़ाते हुए आ रहे हैं, पूरी खींच मारेंगे। बट हमारी पतंग इतनी भारी है, हमारे पास टेक्निक है इनकी काटने की, देख रहे हो। देखो वो भी उड़ा रहा है, देखो टंकियों के पीछे। लो पकड़ो यार मेरी पतंग, मुझे दो। कर कर जल्दी कर। गाइस देखो ये पतंग काटता हुआ मैं, ये देखो मेरी पतंग गई उसके ऊपर से, ऊपर से, ऊपर से, ऊपर से, ऊपर से, और डीलम डील जाती हुई। गाइस देखो गाइस देखो अब आ चुकी है, देखो उसकी पूरी की पूरी मेरे उसमें अब जाएगी। गाइस किसकी जाती है किसकी नहीं देखते रहना, पूरी मेरी तो बड़ी वाली है गाइस। आई बो आई बो। गाइस देखो ये जाती हुई, गाइस मेरा मंजा ही लग चुका है पूरा, और मुझे लग रहा है मेरी जा सकती है। पतंग दिखा ना पगले, दिख रही है? आई बो। देखो यार इतना डर लग रहा है ना, मंजा पूरा ही लग चुका है। आ गया, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट काटते हैं, आप सभी को दिखाते हैं। सारा उतारना पड़ेगा मेरे को, अब इसमें दोबारा से बांधता हूँ और लड़ाता हूँ, दिखाता हूँ आप सभी को। पतंग कितनी काट दी कैमरामैन मैंने? 3। तुम लड़ाओगे? लड़ा लेंगे। चलो गाइस इस तरह से बांध ली मैंने गांठ, और पतंग मेरी एकदम की ऊपर है, और इस तरह से मैं अब लपेटूंगा। देखो चलो गाइस रो, और गाइस देखो नेक्स्ट लड़ाते हो। एक तो ना यार बहुत ही ज्यादा क्या कहते पतंग स्टेबल है, कहीं घूम ही नहीं रही। और ये देखो दो दो है मेरे नीचे। आई बो। और ये देखो हमारे में आ चुकी है पूरी की पूरी। आई बो। ओ गाइस मेरी भी गई इस बार, देखो वो तो काट दी और वो भी गई। हमारी एक पतंग जा चुकी है, एक और बची है बड़ी वाली। गाइस नेक्स्ट मैं अपनी उड़ाता हूँ, मंजा थोड़ा समेट लेता हूँ। ये थोड़ा गुंजल उंजल हो गया, गुंजल क्या, जब पतंग कट जाती है ना तो अपने आप को लगता है कि मंजा बेकार हो चुका है, मंजे में ही कमी है। नेक्स्ट पतंग अब इसको जल्दी से उड़ा दे। गाइस नेक्स्ट पतंग जाती हुई, मैंने कन्ने वगैरह सब बांध लिए, सेम टू सेम एज इट इज वैसे ही बांधे जैसे पहले वाली के बांधे थे। इस बार थोड़े छोटे कन्ने बांध लिए ताकि घूमे पतंग। ठंडी ठंडी हवा, कान पूरे एकदम टन कर दिए हमारे पूरे पूरे, जहाँ से हम पतंग क्या कहते लेकर आए हैं ना, हमारी किस्मत अच्छी है जो कि अच्छी अच्छी पतंग मिल गई है। पतंग उड़ाई नहीं, पीछे वाले लड़ाने पहले आ जाते हैं, आगे वाले जितने भी है। देखो देखो ये आती हुई। बारियो क्या कहता, कोई क्या कहता नया बंदा हो ना उसमें तो संभलेगी भी नहीं, संभाल के देखना एक बार। उड़ाओ, बहुत भारी पतंग है भाई। लड़ाओगे? नहीं नहीं आप ही लड़ाओ भाई, आप ही लड़ाओगे इस पतंग से, अभी तो भारी लग रही है पतंग। तो हमारी चरखड़ी पकड़ते हुए, और इस बार मैंने कन्ने अच्छे बांधे नहीं तो पिछली बार तो सारे ढुमक ली थी एकदम। कितनी पतंग काटी है, कितनी निकाटी आप बताओ। और ये देखो बच गई यार, उसकी पतंग में पतंग दो टकरा गई, या तो उसकी पतंग पूरी चिढ़ जाती एकदम फट जाती। और ये आती हुई, ये आती है, और मैंने उसके कन्ने में पूरी पूरी ढील दे दिए, फसा लूं उसकी पतंग। देखो फाड़ी, जो बोला था वही कर दिया गाइस। देखो अब देखो इसकी पतंग उड़ जाएगी। आई बच गई। आई बो। जो बोला था ना, रियल बात बोली थी कि फाड़ दूंगा, फाड़ के काटी है। बताओ जल्दी से, कमेंट मारो जल्दी से कैसी रही। तो कहते हैं ना कि 6 कोर्ड से आप पतंग नहीं उड़ती है, देखो बड़ी पतंग उड़ाई है भाई। पहले भी इसी से उड़ाई थी, लेकिन आगे थोड़ा ये लगाया था, फिर पीछे ये लगाया था, टूटी। काटने के बाद टूटती है, टूटती कैसे, आपने किसी की पतंग काट दी उसकी डोर आप में आ गई तो टूट जाती है। पीछे में आ चुके हमारे उड़ाने, देखो ये उड़ा रहे हुए हो गई। उसी मंजे से लड़ा रहा हूँ, देखो मंजा अगर आपको चाहिए इंस्टाग्राम पे कमेंट मारो, 6 रील और 12 रील ओनली अवेलेबल। और ये देखो ये दोबारा आते हुए, और देखो दोबारा आ गया मेरे में। इस बार तो बाबू तू गया, इस बार तो तू गया, फंसी पड़ी है, फंसी पड़ी है, फंसी पड़ी। आई बो। जो पतंग उड़ा था ना उसकी पतंग देखो हमारे पास आ चुकी है, और वो कह रहा पतंग दे दो भाई, पतंग दे दो। यहाँ से मारा था हफ्ता और हमने तोड़ दी, वो दिखा नहीं पाई क्योंकि फोन था जेब में। अब देखो दूसरी पतंग उड़ा रहा है ये, इसी लेगा नहीं है। इतनी और ये पूछूंगा। देखो और पतंग आ चुकी है, मंजा कहाँ लगा रहा हूँ मैं, यहाँ लगा रहा हूँ।
ये तो यार दिक्कत हो जाती है फिर। और गाइस मेरे सर के ऊपर ये इसकी डोर। आई बो ये देखो पिंक कलर का मंजा, नहीं पिंक नहीं, कैसा है ये लिपस्टिक कलर, लिपस्टिक कलर कौन सा होता मुझे पता ही नहीं है। ये मेरे में ले जले राती भी जा रही है। गाइस आप सभी लोग क्या होगे कि आपने मंजा क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि यार हम पे मंजे कमी है। जब तोड़ते जब कोई हमारे साथ ऐसा करता है, शांति से उड़ा रहे तो शांति से हम सबको उड़ाने देते हैं, नहीं तो फिर वो जो हमारे साथ हरकतें करते हैं हम उसके साथ करते हैं। पतंग गई हाँ मैं देख रहा हूँ। पतंग हमारे नीचे चली गई थी, और जो गाइस मैंने इनकी अभी पतंग तोड़ी थी ना वो भाई ने उड़ा के कहते कटवा दी, और इन्होंने दोबारा पतंग उड़ा लिया। वही है क्या कहते जो आता ले रहा था, और ये आता हुआ देखो आई बो देखो कैसे गई एक नंबर। आ रहा था खींच मारता हूँ, मैंने तो कुछ नहीं करा, आपको बता रखा है ना बस, अगर आपकी पतंग टाइट हो तो एकदम सीधी डोर कर लो ऊपर करके 100% जाएगी, और उसी कॉटन मंजे से उड़ाना चाहिए। इंस्टाग्राम पे कमेंट मारो 6 रील और क्या कहते हैं 6 रील और 12 रील दूर के ऑर्डर होंगे, अभी कर लो। 7 तारीख से पहले करोगे तो आपको 10-11-12 तक आपका महाराष्ट्र का आ जाएगा। पंजाब का करोगे तो दिल खोल के 10 तारीख तक जितने मर्जी कर लेना, आपके 9 तारीख तक कर लेना, 10-11 तक आपके आ जाएंगे। ठीक है और काटते दिखाते कैमरामैन, तू लड़ाएगा? लड़ा लेंगे। मुझे पता है डर लग रहा है, क्या कहते हैं पतंग से हल्का तो यही है उड़ना जाए। देखो उड़ तो नहीं जाओगे? नहीं। देख वो आ गया लड़ा, अबे उसने डाल दी दिखे। लड़ा ढील से लड़ाइयो, ढील से ले ले तेरी चरखड़ी मैं पकड़ता हूँ, पकड़। अबे दे आ गया पकड़ लड़ा, चल ढील मार लड़ा यार। आई बो अबे नहीं कोई ड्रामे कर रहा था, ये तो ड्रामा बॉय था, अब जाएगी। काट दिया हमारे कैमरामैन ने भी, देखो बड़ी पतंग से काट दिया गाइस, बड़ी पतंग से काट दिया हमारे कैमरामैन ने जाती हुई। मौज कर दी मौज, देखो इधर बैठ रहा हाथ में प्लास्टिक उड़ा रहा है, प्लास्टिक पता ना कौन सा उड़ा। चलो गाइस नेक्स्ट काटते दिखाते हैं, पकड़ियो उनका ये तो छोड़ दो। गाइज ये वीडियो यहीं तक की है, मिलते हैं फिर मैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय। वो क्यों, जिस दिन धूप निकलेगी ना उस दिन दूंगा आपको शाम तक के बना के वीडियो। अभी पता है क्या यार, कान में इतनी ठंड मच रही है ना, पूछो मत, जिसका की कोई तोड़ नहीं है जवाब नहीं आप कह सकते फिर वीडियो बना रहे। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में सारे भाइयों ने, राम राम, मैं आपका अंकित फाइट फाइटिंग ठीक है भाई, तो जिसका डायलॉग है वो भी अंकित ही है। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में सारे भाइयों ने, राम राम बाय।